सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती डॉट कॉम में। तो दोस्तों, अगर आप लोग 10th और 12th क्लास में है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जाम डेट जारी कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी डिटेल देने वाला हूँ और साथ साथ विद स्कीम के साथ आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, तो यूपी बोर्ड 10th और 12th के यहाँ पे एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 24 अप्रैल से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और जो 10th के एग्जाम फिनिश हो जाएंगे वो 10 मई को हो जाएंगे, साथ साथ जो 12th के एग्जाम है तो वो 12 मई को फिनिश हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एग्जाम की पूरी अपडेट यहाँ पे आप जाके upmsp.edu.in पर जाके ले सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की। यहाँ पे साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों से संपन्न होकर 10 मई को खत्म हो जाएगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई तक खत्म हो जाएगी। साथ साथ अब बात करते हैं थोड़ा नीचे डिटेल में, यहाँ तो ये है ऑफिशियल ट्वीट। साथ साथ यहाँ पे 10वीं और 12वीं रिजल्ट, यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके काफी सारे लोग चिंतित थे। इस बार हाई स्कूल परीक्षा में 29,54,312 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 26,09,501 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा, यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल 3 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़ और देवी पटना और बस्ती कि मैं जो है यूपी के बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडलों की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2021 में हाई स्कूल अथवा इंटर की परीक्षाओं का कार्यक्रम। यहाँ पे आप देखिए पूरा शेड्यूल, 24 अप्रैल से आपकी जो परीक्षाएं वो स्टार्ट होने वाली है। समय जो है 8 बजे से 11 बजे तक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्कूल के हिंदी के एग्जाम प्रारंभ किए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे साथ साथ इंटरमीडिएट के दूसरे शिफ्ट में होंगे, यानी कि 2 बजे से लेके 5:15 बजे तक यहाँ पे एग्जाम चलेगा 12th वालों का। यहाँ पे इंटरमीडिएट का सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे हाई स्कूल वालों का सेक्शन दिया गया है। आप इसमें मैच आउट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट में होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 26 अप्रैल को देखिए आप संगीत वादन नृत्य कला, यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो 8 बजे से लेके 11:15 तक होगा। साथ साथ यहाँ पे दूसरी शिफ्ट में जो है इंटरमीडिएट के एग्जाम किए गए यहाँ पे 2 बजे से लेके 5:15 तक। यहाँ पे सामान्य आधारित विषय यानी कि आपका विज्ञान हो गया और साथ साथ संगीत गायन हो गया, यहाँ पे वो परीक्षा यहाँ पे अप्लाई की जाएंगी, वो उनका समय यहाँ पे रख दिया गया है 2 बजे से लेके 5:15 तक। साथ साथ मंगलवार में जो आपकी परीक्षा है 27 अप्रैल को, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 बजे से स्टार्ट होगी और 11:15 तक चलेगी। यहाँ पे गृह विज्ञान की परीक्षाएं होनी है बालिकाओं के लिए। तो यहाँ पे आप ये सारी डेट शीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक, इस डेट शीट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी और इस डेट शीट को आप निकाल के रख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहेगा मेरा जो एग्जाम है वो कौन सा एग्जाम किस डेट में है। तो दोस्तों, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप। तो दोस्तों, अगर आप लोग 10th या 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि किस विभाग में कितनी नौकरियां निकली हैं, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ अपने फ्रेंडों के साथ हमारी वीडियोस जरूर शेयर करिए।